शाहरुख खान अगर उत्तर प्रदेश में घुसता है तो सबसे पहले झांपड़ मारने वाला आदमी मैं हूँ। यार वो हीरोइन भी बदतमीज है, वो उसको चल, शाहरुख खान तो मुस्लिम है, तुम तो एक महिला हो, मेरी ओर से तो जिस भी थिएटर पे ये फिल्म आती है उसको आग लगा देनी चाहिए। शाहरुख खान को थप्पड़ मैं मारूंगा, जिस सिनेमा घर में ये फिल्म लगेगी उसको जला देना चाहिए, और दीपिका पादुकोण बदतमीज है ये कहना है इस भगवाधारी बाबा का, जिनका नाम है महंत मार्कंडेय पशुपति उर्फ पंकज त्यागी। दरअसल पठान मूवी को लेकर के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। पठान मूवी में फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण पर भगवा रंग का अपमान करने का आरोप लगाया जा रहा है। अब इस फिल्म के विरोध में महंत मार्कंडेय पशुपति उर्फ पंकज त्यागी भी आ गए हैं। इस बीच पंकज त्यागी ने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस दिन उत्तर प्रदेश में मुझे शाहरुख खान मिल गया, उस जिहादी की मुंह सबसे पहले तमाचा मारने वाला मैं हूं, मैं पहला व्यक्ति रहूंगा। इसके साथ ही पंकज त्यागी ने कहा कि फिल्म पठान में भगवा रंग का अपमान किया गया है, लेकिन ये महाशय भूल गए हैं कि जिस कुर्सी पर ये बैठे हैं वो भी एक भगवा कलर का ही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी भगवा कलर ही पहनते हैं, और उसके बाद से बाबा रामदेव वो भी भगवा कलर पहनते हैं, और भगवा कलर कहाँ कहाँ पहना जाता है ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन दीपिका पादुकोण ने अगर भगवा कलर पहन लिया है और कोई गाना शूट कर दिया है तो उसका अपमान जोरों पे हो रहा है, उसे बदतमीज कहा जा रहा है। और साथ ही साथ शाहरुख खान जो देश के टॉप 50 में 50 रैंक के अंदर आते हैं उनको जिहादी बताया जा रहा है, और उसके मुँह पर तमाचा मारने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही पंकज त्यागी ने कहा कि फिल्म पठान में भगवा रंग का अपमान किया गया है, एक सोची समझी रणनीति के तहत लगातार हिंदुओं की भावना को आहत करने के लिए लोगों ने धंधा बना लिया है, यह फिल्म जिहाद है, यह सोची समझी रणनीति के साथ तैयार किया गया है, इसलिए आज हमने शाहरुख खान का पोस्टर जलाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धमनियों में बहने वाला रक्त का रंग भी तो भगवा है, भगवा के बिना किसी का अस्तित्व नहीं हो सकता। भगवान सूर्य का रंग है, अग्नि का रंग है, भगवा शांति का प्रतीक है, और सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग इसे अपनी आन बान और शान मानते हैं। भगवा का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरा इस भगवाधारी बाबा की आप बात को जरा सुन लीजिए और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि क्या भगवा कलर कोई पहला कलर है जो कोई पहली अभिनेत्री ने पहन करके गाना शूट किया है। सदियों से इस कलर पर फिल्में बनी हैं, लेकिन उस वक्त उसका विरोध नहीं हुआ, लेकिन दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की इस पठान फिल्म को लेकर के इतना विरोध आखिर क्यों? एक काम कीजिए, शाहरुख खान से कहें कि हिजाब पहनवा के ऐसा सीन दिलवाए जो हमारे देश के भगवा रंग को इस प्रकार से दिखा रहा है, वो कितना गिरा हुआ आदमी होगा। क्या बोलते हैं, किंग खान, मेरे अंदर से तो वो देश के ऊपर कालिक है। ऐसे आदमी ने जो उसने एक्टिंग भी करी है, और वो हीरोइन भी बदतमीज है वो, उसको चल, शाहरुख खान तो मुस्लिम है, तुम तो एक महिला हो, हिंदू महिला हो, पैसों के लिए इतने गिर जाओगे? मेरी ओर से तो जिस भी थिएटर पे ये फिल्म आती है उसको आग लगा देनी चाहिए। शाहरुख खान अगर उत्तर प्रदेश में घुसता है तो सबसे पहले झांपड़ मारने वाला आदमी मैं हूँगा, ये वादा है मेरा पूरा। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे धर्म को, भगवा कलर को, इन्हें क्या दिक्कत है? इन्हें कुछ नहीं लगता, ये भगवान रंग को जितना चाहे उतना बुरा बनाए, इनकी आदत है, नेचर है। मैं तो कहता हूँ कि इसके घर में आग लगा देनी चाहिए, शाहरुख खान के घर में आग लगा देनी चाहिए। ऐसे आदमी को हिंदुस्तान में रहने का यहाँ जगह नहीं है। इनके साथ भी वही काम होना चाहिए जो बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्याओं के खिलाफ होता है। साधु संत समाज ने अपने अपने अनुयायियों से सौगंध और शपथ दिलाई है कि इस फिल्म का, इस गाने का ही नहीं, इस पूरी फिल्म का बहिष्कार किया जाए। तो मैं उनके बिल्कुल साथ हूँ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि इस फिल्म को कोई भी मेरा हिंदू भाई ना देखे ना हॉलों पे चलने दे। अगर अब भी अगर हिंदू भाई नहीं जागता तो बेकार है। मेरे अंदर से तो वो देश के ऊपर कालिक है।
ऐसे आदमी ने जो उसने एक्टिंग भी करी और वो हीरोइन भी बदतमीज है वो, उसको चल शाहरुख खान तो मुस्लिम है, तुम तो एक महिला हो, हिंदू महिला हो, पैसों के लिए इतने गिर जाओगे? मेरी ओर से तो जिस भी थिएटर पे भी ये फिल्म आती है उसको आग लगा देनी चाहिए। शाहरुख खान अगर उत्तर प्रदेश में घुसता है तो सबसे पहले झांपड़ मारने वाला आदमी मैं हूँगा, ये वादा है मेरा पूरा। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये हमारे धर्म को, भगवा कलर को, इन्हें क्या दिक्कत है? इन्हें कुछ नहीं लगता, ये भगवान रंग को जितना चाहें उतना बुरा बनाएं, इनकी आदत है, नेचर है। मैं तो कहता हूँ कि इसके घर में आग लगा देनी चाहिए, शाहरुख खान के घर में आग लगा देनी चाहिए। ऐसे आदमी को हिंदुस्तान में रहने का यहाँ जगह नहीं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।